ओम शांति। ये है पतित पावन गॉड फादर यूनिवर्सिटी। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता। सुना, ये ज्ञान ना लक्ष्मी नारायण को भी नहीं रहता। इतनी वैल्यू होनी चाहिए इस ज्ञान की हम बच्चों को, तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जैसे नया जन्म होता ना, तो पिछला सारा प्राय लोप हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा कोई कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ये तो आत्मा को लेना पड़ता है ना, कर्मों अनुसार उसको जन्म मिलता है। कोई कहाँ कोई कहाँ, कैसे कैसे सरकमस्टांसेस में उसका जन्म हो जाता है, कैसी कैसी परिस्थितियों के स्थान पर वो चली जाती है आत्मा। कहीं कहते ना, हम इस जीवन में बहुत दुख देख लिया, मर जाए, ऐसी जगह जाके पैदा होएंगे जहां पे दुखों की पहले ही बरसात हो रही होगी। किसी को ये लॉजिक नहीं समझ आता ना, हर कोई एक टेम्परेरी प्रेजेंट में ये देख लेता है, मैं बहुत दुखी हूं, दुखहाल हो जाता है। और फिर अगर जन्म ही ऐसे स्थान पर हो, अब तो सब दुनिया में दिखाई भी देता है, कोई कचरे में छोड़ के चला जाता है, कोई अनाथालय छोड़ के चला जाता है, कोई कहां पे बच्चे को ऐसे ही बीजवाज भी देते हैं, कोई कबाड़ी के पास, कोई हाथ पैर काट के उससे भीख मंगवाते रहते हैं। अब जब तक बच्चा होश में आए, क्योंकि पहले तो वो अब उसको कुछ पता नहीं, जब तक होश में आए तब तक उसके पास तो इतना सारा दुख आ चुका होता। ये सब क्या है, सारा लेखा जोखा कर्मों का है। यही समझ नहीं आता, अपने कर्मों अनुसार ही तो सबने पाया है, फिर भी दोष भगवान पे ही लगा है। क्योंकि ये नहीं समझते कि हमारे कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अगला हमारा श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। तो आज हम अपने कर्मों पे ध्यान अगर देंगे तब जाके तो आगे सुधार होगा। और आज भी बाबा क्या सुधार रहे हैं, कर्म ही तो आपके क्या सुधार रहे हैं, कर्म आपका चिंतन सुधार रहे हैं। क्योंकि कर्म करने से पहले चिंतन आता है, आपकी मनसा में उठने वाले संकल्प किस तरह के हैं वो सारा बाबा समझाते हैं। क्या हाल था भारत का, अब क्या हो गया है, सारी कहानी सुना रहे हैं। जब किसी के ऊपर विपता आती है ना, तो उसे सारी कहानी स्पष्ट समझ आती है। अभी कुछ नहीं है ना, अब इजी है, कुछ नहीं है ना, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। जाओ हॉस्पिटल में, जाओ कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटो, वहां देखो लोग कैसे माना, हॉस्पिटलों में कैसे पड़े हुए दिन रात 24 घंटे उनका जीवन वहीं पर है। तो बताओ, उनसे पूछो जाके, वो अपने अंदर सोचते तो होंगे ना कि क्या कर्म हमने किए, कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है, किसी के जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, कोई स्टेबल ही नहीं है, वो भटकन ही लगी हुई है। सोचो तो ये क्या है, सब कर्मों का हिसाब किताब जो उसकी आत्मा ने देना है, क्योंकि जो उसने कर्म किए हैं उसको तो वही भुगतेगी ना आत्मा, और कौन, हम या आप भुगत लेंगे क्या। हाँ, हमारे तक खबर आएगी तो यानी कि परमात्मा तक खबर पहुंच जाएगी, बस ये फर्क होता है। नहीं, हम माध्यम जरूर हैं, हम ब्राह्मण, आप तक खबर आती है तो बाप तक पहुंच जाती है, माना ये होता है। ऐसे तो भक्तों को भगवान देता ही है, लेकिन माध्यम तो होता है ना कुछ। अब ये अच्छा कर्म बुरा कर्म भी कौन कर रही है, आत्मा ही कर रही है। आज तक शरीर समझ के चलते आए हो, आज आत्मा समझ के देखो तो सही, पता चले कि सब कुछ तो आत्मा ने किया है। जो परमात्मा के ऊपर थोपते आ रहे हो, सुख दुख वही देता है, वो सिर्फ सुख के अलावा कुछ नहीं देता है, इसीलिए इतनी समझ दे रहा है, और क्या। से कर्म को श्रेष्ठ बनाने की इतनी नॉलेज मिल रही है, इतनी निराली नॉलेज, इतनी वंडरफुल नॉलेज, जिसके आधार पर आपके कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं, आपकी मनसा अच्छी हो सकती है। और जहां मनसा अच्छी हुई वहां पे वाणी जरूर अच्छी होती है, और वाणी अच्छी कर्म अच्छे। तो सब कुछ किस अनुसार मिलता है, तो अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। अगर आप बाबा की याद से हट के कोई भी कर्म करोगे वो भी कर्म ही बनता है, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं,
माना वहां कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, सिर्फ एक संगम पर ऐसे कर्म करो जो सत्युग की प्रारब्ध श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मिले, पोजीशन ही पहले श्रेष्ठ मिले तो आगे चलते चलते तो चलो कम भी होगी तो कितनी कम हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है पुरुषार्थ कर्म। तो सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां भी कर्म होता ही नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। ओम शांति।